योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां एक बार फिर खुर्जा और सिकंदराबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें खुर्जा में 20,000 रुपए के इनामी बदमाशों के पैरों में गोली लग गई, जबकि सिकंदराबाद में शातिर लुटेरे के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाशों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि खुर्जा में देर रात इनामी बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ आया था। लोकेश बाइक से आगे जाकर अपने साथियों को वारदात को अंजाम देने के लिए बुला पाता, उससे पहले ही खुर्जा की अलर्ट पुलिस से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस की माने तो इनामी बदमाश लोकेश पर एक दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक, 1 पिस्टल, 1 तमंचा और कई जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया है। आज जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम और सिकंदराबाद थाने की पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में एक बहुत कुख्यात और शातिर अपराधी सुलेमान उर्फ बल्लू, जो खुर्जा नगर का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज हैं, मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और गोली लगने से घायल हुआ है। गोली क्रॉस फायरिंग के दौरान उसे लगी है। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से इसके द्वारा हमला किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा चलाई गई गोली से ये घायल हुआ है और इसको गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में खाकी अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। एक ही रात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिकंदराबाद पुलिस ने कुख्यात सुलेमान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर खुर्जा पुलिस ने भी 20,000 के इनामी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बुलंदशहर से इकबाल सैफी, पंजाब केसरी टीवी।